नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आपका स्वागत है वेटन्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि सीपीयू के बारे में आज का वीडियो रहने वाला है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कह लो आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह लो या फिर आप प्रोसेसर कह लो, सेंट्रल प्रोसेसर कह लो या फिर माइक्रो प्रोसेसर कह लो, सबका एक ही मतलब होता है, सीपीयू। ओके, अब देखिए जो ये सीपीयू होता है ये सबसे कोर कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, क्योंकि जो कंप्यूटर के जो भी फंक्शंस है सारे इसी के थ्रू परफॉर्म होते हैं, और जो हमारे बाकी अदर पेरिफेरल्स हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेज जो भी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, वो सारे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वहाँ भी हमें सीपीयू की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कंप्यूटर का हार्डवेयर और एक्टिव सॉफ्टवेयर की जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसको आपका सीपीयू ही प्रोसेस करता है। तो इन सब फीचर्स की वजह से हम जो ये सीपीयू है इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इन्हीं सब फीचर्स की वजह से हम सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। छोटी सी एक चिप होती है, ये सिलिकन से बनती है जैसे कि आप इमेज पर देख सकते हो, लेकिन यही इसी में सारी की सारी प्रोसेसेस जो भी ऑपरेशंस कंप्यूटर के हैं वो होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा सीपीयू है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके मेन तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर आता है आपका कंट्रोल यूनिट, फिर आता है आपका मेमोरी यूनिट या फिर स्टोरेज यूनिट। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ सीपीयू, ठीक है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और कभी मैं कह सकता हूँ माइक्रो प्रोसेसर, तो देखिए वैसे तो दोनों सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस दोनों के बीच नहीं है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। जब मैं बात करता हूँ माइक्रो प्रोसेसर की, तो मैं सिर्फ उसे एक पर्टिकुलर चिप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो सिलिकन से छोटी सी जो चिप बनी है जिसकी मैंने इमेज आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं सीपीयू कहता हूँ यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ हमारा मेमोरी यूनिट भी इंक्लूड हो जाता है। ओके, और जो ये मेमोरी यूनिट है यहाँ पे मैं सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइसेस होता है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव वो इसमें नहीं आते हैं, इसमें आता है मेन मेमोरी, उसके बारे में हम डिटेल में आगे अपनी वीडियो में बात करेंगे। तो इन सबको मिलाकर बनता है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर और हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में मेनली कह लो तो मेन मेमोरी जो होती है वो इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा बहुत कुछ एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ लेते हैं। हमने वैसे वीडियो में पहले भी जो हमारी ये वीडियो सीरीज चल रही है कंप्यूटर अवेयरनेस की, इसकी जो शुरुआती वीडियो है उसमें हमने बीच में बात की थी कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, ठीक है, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, उसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, बाइनरी लैंग्वेज उसको हम कह सकते हैं, जीरो और वन की लैंग्वेज होती है वो, यानी कि इसमें सिर्फ दो डिजिट्स होती हैं, जीरो और वन। ओके, तो कोई भी हमें नंबर लिखना है, कोई भी कैरेक्टर लिखना है, कोई भी अल्फाबेट हमें लिखना है, तो हमें एक कॉम्बिनेशन लिखना होता है जीरो और वन का, क्योंकि कंप्यूटर जीरो और वन के ऊपर कोई भी अदर जो हमारा डिजिट होती है उसको नहीं समझता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ए हमने लिखना है, तो ए के लिए हमने एक यूनिक एक कॉम्बिनेशन डिसाइड किया होता है, फॉर एग्जाम्पल 0 1 1 0 1 0 1, इस तरह का कोई एक कॉम्बिनेशन हमने सेट किया होता है पहले से ही ए के लिए, फिर बी के लिए कुछ अलग होगा, सी के लिए कुछ अलग होगा, डी के लिए कुछ अलग होगा, इसी तरह से प्रोसेस चलता है। और जो ये जहाँ पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस कैरेक्टर के लिए कौन सा यूनिक कॉम्बिनेशन डिसाइड करना है, तो उसी को हम कहते हैं कैरेक्टर सेट। क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट। अब देखिए दोस्तों, ये कैरेक्टर सेट्स कुछ जो मेजर जो कैरेक्टर सेट्स हैं उनमें से सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा ASCII, ASCII। अगर आपने इसके बारे में सुना होगा, ASCII मींस
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये एक कैरेक्टर सेट है। इसके अलावा UTF जो कि जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट कैरेक्टर सेट है। उसके अलावा ANSI होता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये कुछ है कैरेक्टर सेट्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब देखिए जो जो हमारा ASCII है कैरेक्टर सेट, इस पे A का जो यूनिक कॉम्बिनेशन है बाइनरी का वो कुछ अलग होगा, ANSI में थोड़ा कुछ उससे अलग होगा, UTF में थोड़ा सा कुछ उससे अलग होगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर सेट्स होते हैं, इनको भी आप, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए फिर से हम वापस आते हैं अपने जो मेन जो टॉपिक है उस पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि कंप्यूटर क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, तो हम कंप्यूटर का कोई भी इंस्ट्रक्शन जब देते हैं तो उसको बाइनरी लैंग्वेज में देते हैं, यानी कि 0 और 1 में देते हैं, 0 और 1 में। मान लीजिए हमने 2 नंबर्स प्लस करवाने हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 4, हमें ये कैलकुलेशन कंप्यूटर से करवानी है। तो वहां पे सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले तो हम जो 2 है इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ओके। और बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैरेक्टर सेट के थ्रू। जो भी हम कैरेक्टर सेट यहाँ पे यूज कर रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 को किसी एक बाइनरी यूनिक कॉम्बिनेशन में चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 0 1 1 0 0 1 0, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन होगा। तो इससे कंप्यूटर को समझ आ जाएगा कि हम 2 की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा 4 है, 4 के लिए भी हम इसी तरह का एक यूनिक कॉम्बिनेशन डिसाइड किया होगा हमने, तो उसको हम लिखेंगे। मैं यहाँ पे जो ये लिख रहा हूँ एक्चुअल में ये एक्चुअल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं अलग अलग, जो हमारे डेसिमल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं उनको, या फिर कोई स्पेशल सिंबल्स हैं उनको दर्शाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कंप्यूटर में लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर कंप्यूटर उसको समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर पाता है। तो उसके बाद कंप्यूटर परफॉर्म करता है जो भी प्रोसेस होती है कैलकुलेशन की, इसकी प्लस करना है तो उनको ऐड कर देगा और हमें एक कोई नया नंबर यहाँ पे दे देगा, उसको भी बाइनरी में ही देगा। लेकिन फिर हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं बैकएंड में, कुछ ऐसे ऐसे प्रोग्राम चल रहे होते हैं जो कि इस मशीन लैंग्वेज को, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को, उस कोड को जो रिजल्ट के तौर पर कंप्यूटर ने हमें दिया उसको कन्वर्ट कर देंगे हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, यानी कि डेसिमल नंबर्स में, जो हम लोग समझते हैं 0 से 9, ठीक है। तो उस पर हमें कन्वर्ट करके देगा। तो हमारे पास जैसे 6 है, इसका आंसर तो 6 हमारे पास शो हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस चलता है, एक सिंपल सा प्रोसेस, इसके बारे में शायद आपको पता भी होगा, हमने पहले भी बहुत इसके बारे में बात की है, लेकिन हम यहाँ पे इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो देखिए जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन बाइनरी में होते हैं, वो बाइनरी में स्टोर्ड होते हैं, ओके। और स्टोर्ड कहाँ पे होंगे, वो किसी ना किसी मेमोरी डिवाइस में। तो कभी कोई भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो पहले हम उसको स्टोर करेंगे, मान लो मेमोरी यूनिट में। फिर जो हमारे कंप्यूटर के बाकी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो उस इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे मेमोरी यूनिट से। तो चलिए फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए अब कंट्रोल यूनिट के बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। जैसे कंट्रोल यूनिट नाम से हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का है मेन काम होता है कंट्रोल करना, किस चीज को कंट्रोल करना, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, डेटा है, किसी भी तरह का डेटा है, किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस है जो स्टोर्ड रहते हैं आपके मेन मेमोरी में, या मेन मेमोरी का सबसे बड़ा एग्जांपल आता है रैम। रैम का नाम आपने सुना होगा, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स वगैरह जब भी हम लोग खरीदते हैं नए, तो वहाँ पे हम स्पेसिफिकेशन जब भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि रैम ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बिना लैग किए चले, बिना हैंग हुए वो चले। तो रैम एक मेन मेमोरी का एग्जांपल है। तो जो कंट्रोल यूनिट होता है दोस्तों, वो उसका मेन काम होता है इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करना, ठीक है। और ये काम कैसे करता है, इसका मेन प्रोसेस कैसा है, उसको चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो हमारी मेन मेमोरी है, जो हमारी मेमोरी है उसके अंदर हमारे पास 0101 इस तरह के कुछ फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है,
तो उसको सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल यूनिट है उसको करेगा फैच, ठीक है। फैच करना, फैच करने से यहाँ पे मतलब है कि आपका जो स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी यूनिट है, उससे डेटा को लेना, उसको हम फैच कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। फैच करने के बाद उसको डिकोड किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो मेन मेमोरी में हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है ना, तो उसको हमने इनक्रिप्ट किया होता है, यानी कि उसकी जो फॉर्म है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म है, उसको थोड़ा सा हमने चेंज किया होता है, तो उसको डिकोड करना होता है पहले। तो उसको डिकोड करने का काम आपका कंट्रोल यूनिट ही करता है, और उसके बाद उसको डिकोड करके जो एक पर्टिकुलर जो डेटा की फॉर्म है, जो हमारे सीपीयू को चाहिए प्रोसेस करने के लिए, तो उस फॉर्म में लाके, यानी कि उसको डिकोड करके, उसके बाद उसको भेजेगा आगे एएलयू की तरफ, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब है दोस्तों, जब भी हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे एग्जीक्यूट या फिर एग्जीक्यूशन, इस तरह के वर्ड्स आएंगे, तो इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए दोस्तों, जो एग्जीक्यूट है, इसका मेन सिंपल जो मतलब होता है वो होता है रन करना, ठीक है। जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो रन करते हैं। रन करने का मतलब तो आप समझते होंगे, कंप्यूटर जैसे सॉफ्टवेयर चलते हैं, है ना, कोई भी एप्स चलती हैं, कोई भी प्रोग्राम्स जब कंप्यूटर में चलते हैं, तो उसी को हम कहेंगे एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट का, एग्जीक्यूशन का काम एक्चुअल में कंट्रोल यूनिट नहीं करती है। कंट्रोल यूनिट का सिर्फ सिंपल सा काम इंफॉर्मेशन की जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना होता है, एग्जीक्यूशन में इसका कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये चीजें भी समझ आ गई होंगी। बाकी जैसे जैसे हम वीडियो में आगे जाएंगे, आपको चीजें और क्लियर होती जाएगी। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं दोस्तों अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट की, यानी कि एएलयू, ठीक है। शॉर्ट में इसको हम एएलयू कहते हैं, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमैटिक क्या क्या मतलब होता है? अर्थमैटिक कैलकुलेशंस सुना होगा आपने, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन, ठीक है। तो कंप्यूटर भी ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, ये सारे जो कैलकुलेशंस होती है, इनको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सीपीयू का द एएलयू यूनिट, यानी कि अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। और अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट में भी हमारे दो अलग अलग यूनिट्स होती हैं, एक रिस्पॉन्सिबल होती है अर्थमैटिक ऑपरेशंस के लिए, यानी कि हमारी जो कैलकुलेशंस है उनको करने के लिए, और दूसरी यूनिट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है लॉजिक, जो हमारे कैलकुलेशंस होती है या फिर लॉजिक जो ऑपरेशंस होते हैं। अब ये लॉजिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? अब लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं दोस्तों, जैसे कंपेयर करना, दो वैल्यू को कंपेयर करना, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेशन है। तो इस तरह के काम भी हमारा एएलयू यूनिट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इमेज है, इससे हमें कुछ और ज्यादा चीजें क्लियर होगी, ठीक है। जो हमारा डेटा होता है या फिर इंफॉर्मेशन कह लो, उसका एक साइकिल चलता है कंप्यूटर के अंदर या फिर कह लो सीपीयू के अंदर। तो जैसा कि मैंने कहा था, रैम यानी कि मेमोरी, मेन मेमोरी कह लो, मेमोरी यूनिट आप कह लो, तो उस पे हमारे होंगे इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होंगे उस पे, ठीक है, उस पे हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो वहां से सबसे पहले जो हमारी कंट्रोल यूनिट है उसको फैच करेगी। फैच करने का सिंपल मतलब कंट्रोल, सॉरी, मेन मेमोरी से इंफॉर्मेशन को लेना, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को डिकोड किया जाता है, एक सिंपल फॉर्म में मतलब बनाया जाता है उसको, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ही उसको डिकोड करेगा उस इंफॉर्मेशन को, यानी कि उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद उसको आगे भेज देगा एएलयू की तरफ, यानी कि अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट की तरफ, और अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट ही उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट ही उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी कि उस इंफॉर्मेशन या फिर उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा, रन करेगा। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास होते हैं, मेनली जो उसकी जो प्रोसेस होती है ना, उस पे क्या काम होते हैं हमारे, या तो अर्थमैटिक ऑपरेशंस वहाँ पे होंगे या फिर लॉजिकल वहाँ पे कोई ऑपरेशंस होंगे, या तो हम कोई अर्थमैटिक जैसा कुछ ऑपरेशन करेंगे या फिर वहाँ पे लॉजिकल लॉजिकल कोई फंक्शन वहाँ पे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो सारे के सारे काम कौन करता है? हमारा अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। और उसके बाद काम खत्म नहीं होता है, उसके बाद हमारा जो एएलयू यूनिट है, उसको जो इंफॉर्मेशन उसने एग्जीक्यूट कर दी है, उसको आगे भेजेगा मेन मेमोरी की तरफ दोबारा से उसको स्टोर करने के लिए। तो ये कुछ इस तरह का साइकिल चलता है, सबसे पहले आपका मेन मेमोरी से डेटा को फैच किया जाता है, फैच करने के बाद उसको डिकोड किया जाता है, डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद उसको फिर से स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता है डेटा का। तो आपको ये चीज़ें
ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब फाइनली हम मेमोरी यूनिट के बारे में बात करेंगे डिटेल से। मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट कह लो, रजिस्टर्स भी आते हैं यहाँ पे। देख, कोई स्कूल वाले रजिस्टर्स नहीं है, कॉपियों वाले कागज वाले रजिस्टर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये अलग तरह के रजिस्टर्स होते हैं। तो देखिए दोस्तों, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बारे में बहुतों ने सुना होगा, जिसने नहीं सुना है इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो देखिए दोस्तों, जो रैम होती है ना, वो होती है एक मेमोरी, सॉरी मेन मेमोरी का टाइप है वो। मेन मेमोरी का यहाँ पे क्या मतलब होता है, मेन मेमोरी के अलावा ये होती है दोस्तों एक टेम्परेरी स्टोर, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है ये, क्योंकि ये जो भी इंफॉर्मेशन या फिर डेटा है उसको टेम्परेरली ही स्टोर कर पाती है। उस रैम में हम कोई भी डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाते हैं, उसको हम टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर कर पाते हैं, और हमें नीड भी होती है इस यहाँ पे रैम की। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में चलाते हैं, तो उसको चलने के लिए यानी कि उसको रन करने के लिए या फिर कह लो उसको एग्जीक्यूट होने के लिए एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसको एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, और उस स्पेस को यहाँ पे प्रोवाइड करता है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो प्रोवाइड करती है वहाँ पे एक स्पेस। लेकिन वो स्पेस जो उसको मिलता है ना, वो तब तक ही उसको मिलता है जब तक वो सॉफ्टवेयर चल रहा है वहाँ पे। जैसे ही वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को बंद कर लेंगे, या फिर फॉर एग्जाम्पल, या फिर कह लो मान लीजिए आपका कंप्यूटर बंद हो गया एकदम से, लाइट चली गई है, तो जो स्पेस उस सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे कैप्चर किया था ना रैम में, वो सारा का सारा फ्री हो जाएगा दोबारा से, यानी कि जो हमारी रैम है वो खाली हो जाएगी फिर से। तो इस तरह से काम होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर रैम हमारे पास नहीं होती तो बिना रैम के हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते थे। ठीक है, अब देखिए सॉफ्टवेयर हमारे जो होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं आपके सेकेंडरी स्टोरेज में, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होते हैं। अब मेमोरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, बस थोड़ा सा बेसिक इसमें आपको बता देता हूँ। मेमोरी दो टाइप की होती है, मेनली मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी आपकी जैसे कि रैम होगी, ठीक है, ये मेन मेमोरी है। अब सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी जैसे हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क में हम कोई भी डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं कितने भी टाइम के लिए। ठीक है, जबकि जो हमारी मेन मेमोरीज है, खासकर जो रैम है, उस पर हम ऐसा नहीं कर सकते। उस हम जो चीज़ें हैं वो टेम्परेली स्टोर करते हैं जब तक कोई भी चीज़ रन हो रही है। तो आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे आप। फिर उसके अलावा आता है दोस्तों, देखिए रजिस्टर्स। अब जो ये रजिस्टर्स होते हैं ना, छोटे साइज की मेमोरी यूनिट होती है ये भी। ठीक है, बहुत ही छोटी साइज की मेमोरी यूनिट्स होती हैं रजिस्टर्स। अब ये रजिस्टर्स होते हैं, ये बहुत छोटे लेवल, बहुत ही कम, थोड़े अमाउंट पे ये डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोसेसर लेवल पे। ठीक है, इनको प्रोसेसर रजिस्टर्स भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि प्रोसेसर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। कहीं पर प्रोसेसर को कोई डेटा काफ़ी जल्दी जल्दी चाहिए होता है, कहीं पे किसी डेटा की इन्फॉर्मेशन आपके सीपीयू को चाहिए होती है, तो उस सब के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे रजिस्टर्स। मदरबोर्ड पे ये लगे होते हैं इस तरह के, देखिए इस इमेज आप देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स आपको दिख रहे होंगे ये रजिस्टर्स हैं, और जो हमारी रैम होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, तो अगर हम सीपीयू की मेमोरी यूनिट की बात करें तो ये दो उसमें आती है, एक आपकी रैम आती है, फिर आपके रजिस्टर आते हैं। प्रोसेसर स्पीड थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अब जब भी हम प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करेंगे, वहां पे हम यूज करते हैं क्लॉक स्पीड का, या फिर कह लो क्लॉक रेट, या फिर फ्रिक्वेंसी, सबका एक ही मीनिंग है। ठीक है, अब समझते हैं क्लॉक रेट क्या है एक्चुअल में, सॉरी, या फिर कह लो क्लॉक स्पीड, सीपीयू की क्लॉक स्पीड का क्या मतलब होता है। तो देखिए दोस्तों, क्लॉक स्पीड का मतलब होता है कि एक सेकंड में हमारा जो सीपीयू है वो कितने इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर पाता है, उसको हम क्लॉक स्पीड कहते हैं। तो इसको यूजुअली हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर कभी कहा जाए कि कोई सीपीयू आपका किसी सीपीयू की 4.0 गीगाहर्ट्ज आपका क्लॉक रेट है या फिर क्लॉक स्पीड है, तो इसका मतलब होगा कि वो सीपीयू एक सेकंड में 4 बिलियन इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है।
ठीक है। तो इस तरह से हम सीपीयू को मेजर करते हैं, यानी कि उसकी स्पीड को एक्चुअल में मेजर करते हैं आपकी क्लॉक स्पीड से। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए अब सीपीयू के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के सीपीयू आज के समय हमारे पास है। तो देखिए दोस्तों, आज के समय दो जो मेजर कंपनियां हैं जो कि हमारे सीपीयू को बनाती है, सीपीयू मैन्युफैक्चर करती है, खासकर लैपटॉप या फिर पीसी है उनके लिए, तो वो है इंटेल और एएमडी। तो उनके अपने अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग तरह के सीपीयू डिजाइन किए होते हैं। तो इनके जो टाइप्स हैं तो वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट उनके टाइप्स बता सकते हैं। लेकिन जो मेनली हम अगर जो हमारे सीपीयू है उनको अलग अलग टाइप्स में बांटे तो वहाँ पे सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कोर कॉन्सेप्ट, कोर कोर्स, ठीक है। हम कोर्स के बेसिस पे जो हमारे सीपीयू कह लो या फिर प्रोसेसर कह लो उनको अलग अलग टाइप्स में यहाँ पे बांट सकते हैं। अब ये कोर क्या होता है दोस्तों? कोर का सिंपली मतलब हम ले सकते हैं यूनिट, ओके, या कह लो यूनिट। कोर का सिंपली मीनिंग यूनिट, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग सबसे जो पहला टाइप हमारा सीपीयू का है वो है सिंगल कोर सीपीयू। सिंगल कोर सीपीयू दोस्तों जो शुरुआती सीपीयू हमारे थे जो इंटेल और एएमडी उन्होंने मैन्युफैक्चर किए थे, तो ये शुरुआती टाइप के कुछ सीपीयू होते हैं जिन पे सिंगल कोर होती थी, यानी कि एक सिंगल यूनिट वहाँ पे हमारे जो सीपीयू है उनमें होती थी और एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हम एक टाइम पे नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो बहुत सारी लिमिटेशंस यहाँ थी, स्पीड उतनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे हमें टाइम लगता था चीज़ों में, कैलकुलेशंस में। तो ये सिंगल कोर सीपीयू थे हमारे। फिर आते हैं दोस्तों ड्यूअल कोर सीपीयू। अब यहाँ नाम से हमें थोड़ा सा आइडिया यहाँ भी हमें लग रहा है, ड्यूअल कोर यानी कि जिसके दो कोर्स हैं, यानी कि एक ऐसा सीपीयू जिसके अंदर दो यूनिट्स है, दो इंडिपेंडेंट यूनिट्स है जो कि अलग अलग से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है कोई एक प्रोसेस, कोई भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। या फिर मेनली हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमने एक सिंगल चिप में दो दो सीपीयू को इंटीग्रेट किया हो। तो यहाँ पे ये जो इंटेल का कोर टू डियो है ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस पे एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर दो यूनिट्स थी, दो यूनिट्स होती हैं या फिर दो कोर्स होती हैं जिससे हम किसी एक इंस्ट्रक्शंस को पैरेलली भी प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि एक सेम इंस्ट्रक्शंस को हम दो अलग अलग टुकड़ों में बांटकर उसको एक ही समय पे दो अलग अलग कोर्स के थ्रू प्रोसेस करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो टाइम है जो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस होने में लगना था वो उसका आधा टाइम वहाँ पर लगेगा, यानी कि हमारी जो सीपीयू की स्पीड थी उससे दोगुनी होगी। तो ये था, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप है सीपीयू का, ठीक है। इसके अलावा क्वाड कोर सीपीयू, क्वाड कोर सीपीयू का मतलब है सिंपली जहाँ पे चार कोर्स होते हैं। इमेज से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अब देखिए एक यहाँ पे चिप है या फिर कह लो सीपीयू है और उसके अंदर चार अलग अलग कोर्स हैं। अब सिंपली यहाँ पे तो हमारे जो सीपीयू है ना उसकी स्पीड चार गुना ज़्यादा होगी किसी एक सिंगल कोर प्रोसेसर से, क्योंकि यहाँ पे हमारे चार अलग अलग कोर्स हैं। तो कोई एक इंस्ट्रक्शंस हैं तो उसको हम पैरेलली चार अलग अलग कोर्स के थ्रू उसको बहुत ही कम टाइम पे प्रोसेस कर सकते हैं हमारे क्वाड कोर सीपीयू से। तो ये बेसिक कुछ टाइप्स हैं सीपीयू की, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। चलिए अब नज़र डालते हैं हमारे सीपीयू की हिस्ट्री की कि किस तरह से जो हमारे सीपीयू है उनकी जो एवोल्यूशन है वो हुई है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं तो वो है 1823 का। 1823 में बैरन जोन्स जैकब नाम के एक इंसान ने डिस्कवर किया था सिलिकन, ठीक है। अब देखिए सिलिकन का क्या लेने देना है हमारे सीपीयू के साथ, सिंपल सी चीज़, सिलिकन एक सेमीकंडक्टर है और इसका यूज़ किया जाता है सीपीयू को बनाने में। जो सीपीयू को बनाने में जो हार्ड मटेरियल जो लगा होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, वो सेमीकंडक्टर होता है और मेनली सिलिकन होता है। आज के समय जो भी हमारे सीपीयू बनते हैं, सारे के सारे तो मैं नहीं कहता हूँ लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी जो हमारे सीपीयू बनते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो भी हमारे बनते हैं वो सिलिकन से ही बनते हैं। ऐसे कुछ एक और भी सेमीकंडक्टर्स हैं जैसे जर्मेनियम, ठीक है, उनसे भी हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स बनते हैं, लेकिन जो सिलिकन है
उससे ही हमारे ज्यादातर सीपीयू बनते हैं। तो सिलिकन की जो डिस्कवरी थी ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे सीपीयू की हिस्ट्री में। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। मेन जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो एक मेजर इवेंट आया था वो आया था दिसंबर 1947 में, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी। सीपीयू की फील्ड में भी एक बहुत बड़ी इन्वेंशन हुई थी जो जॉन वर्डीन, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रेटन, इन तीनों ने मिलकर दुनिया का पहला ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया था। अगर आपने कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी है तो ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन के जो भी कंप्यूटर्स थे वहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। हमने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया था ट्रांजिस्टर के साथ, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर थे कॉस्ट एक तो उनकी बहुत ज़्यादा कम थी आपकी वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले, साइज उनसे काफ़ी ज़्यादा छोटा था लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और उसके बाद तो हमने देखिए जो ट्रांजिस्टर है ना उसका यूज़ आज तक है हमारे पास। हम वैसे तो हम कह सकते हैं कि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पे आज के समय पहुंच चुके हैं, हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ट्रांजिस्टर को ही हमने इंटीग्रेट किया था। ट्रांजिस्टर को सबसे पहले इंटीग्रेट किया हमने एक चिप में, फिर हमारे पास बनी थी इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद जो इंटीग्रेटेड सर्किट थी यानी कि जो चिप थी उसी को हम छोटा से छोटा करते गए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर हम ऐड करते गए और उसी को हम माइक्रो प्रोसेसर आज के समय कहते हैं। तो जो ये ट्रांजिस्टर है ये काफ़ी ज़्यादा मेजर कॉम्पोनेंट आप कह लो, काफ़ी बड़ी डिस्कवरी आप कह लो सीपीयू के फील्ड में आज तक है, ठीक है। उसके अलावा 1985 में यानी कि 1958 में दुनिया का पहला वर्किंग इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप किया गया था। किसने डेवलप किया था? रॉबर्ट नॉइसी और जैक किलबाय। इनके नाम हमें याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि जो इंटीग्रेटेड सर्किट है आपको पता ही है थर्ड जनरेशन के जो भी हमारे कंप्यूटर्स थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट पे चलने वाले थे, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो एक मेजर इवेंट हुआ वो हुआ 1968 में, जब रॉबर्ट नॉइसी यानी कि जिन्होंने ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था ना पिछले साइड में हमने जिनके बारे में देखा था, उन्होंने और जॉर्डन मूरे, उन्होंने इंटेल कॉरपोरेशन नाम की कंपनी को शुरू किया था। इंटेल कॉरपोरेशन चिप मेकिंग की जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी जाइंट जो है आज के समय वो इंटेल कॉरपोरेशन ही है। तो इसके जो फाउंडर्स थे वो यही लोग थे, तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि इंटेल कॉरपोरेशन ने उसके बाद जो जो बड़े बड़े इन्वेंशन किए आप सबको पता है, हमें पता है आज के समय तो जो भी हम लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर वहाँ पे इंटेल के ही कोई ना कोई प्रोसेसर वहाँ पे पड़ा होता है, ठीक है। उसके अलावा AMD, इंटेल के अलावा जो आज के समय हमारे कंप्यूटर्स में CPU बनाती है बहुत बड़े लेवल पे जो कंपनी बनाती है वो AMD ही है, और AMD को ही हम इंटेल का कॉम्पिटिटर मानते हैं, और इसका फुल फॉर्म भी हमें याद रखना है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। इसके बाद का जो एक मेजर इवेंट आया था वो आया था 1971 में, जब इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था दुनिया का पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम था इंटेल 4004 या फिर कह लो 4004, ठीक है, ये था दुनिया का पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर। इन सब के अलावा देखिए एक मेजर जो और एक इवेंट हुआ वो हुआ 1993 में, मार्च 1993 में, जब इंटेल ने रिलीज की अपनी पेंटियम चिप्स या फिर पेंटियम प्रोसेसर्स। पेंटियम जो प्रोसेसर थे या फिर माइक्रो प्रोसेसर थे ये कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे थे इंटेल के। और यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो इस पेंटियम चिप को बनाने का जो प्रोजेक्ट था इंटेल का, तो उसको लीड किया था एक इंडियन साइंटिस्ट ने, एक इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, विनोद धाम इनका नाम है, और इसी रीज़न से इनको फादर ऑफ द पेंटियम चिप कहा जाता है, ओके, तो ये हमें याद रखना है। फिर इसके अलावा दोस्तों अप्रैल 2005 में AMD ने इंट्रोड्यूस किया था इसका पहला ड्यूल कोर प्रोसेसर, यानी कि इससे पहले जो भी प्रोसेसर थे, जो भी माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास थे वो सारे सिंगल कोर प्रोसेसर थे, यानी कि उनकी जो स्पीड थी वो उतनी ज़्यादा खास नहीं थी, एक समय पर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकते थे, पैरेलल प्रोसेसिंग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन 2005 में AMD ने जैसे ही अपना ड्यूल कोर प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद इंटेल ने भी अपना ड्यूअल कोर प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवाया, फिर इस तरह से चीज़ें
होती रही। और उसके अलावा 2007 में इंटेल ने इंट्रोड्यूस करवाया जी हमारा क्वाड प्रोसेसर, ठीक है, क्वाड प्रोसेसर। अब क्वाड प्रोसेसर का तो हमें पता ही है, अभी हमने बात की थी जिनके चार कोर्स होते हैं सीपीयू के, यानी कि चार यूनिट्स होती हैं सीपीयू के अंदर। फिर इसके अलावा सितंबर 2009 में इंटेल ने रिलीज किया फर्स्ट कोर i5। ये i5 क्या है, i5 एक सीरीज है प्रोसेसर्स की, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आज के समय। हम लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर जो लोग भी लैपटॉप्स खरीदते हैं, पीसी खरीदते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि देखिए कौन सा है जी, i5 है, i3 है, i7 है, i9 है। तो ये एक आपकी जो इंटेल है इसके माइक्रो प्रोसेसर की एक सीरीज है। इसके अलावा जून 2017 में इंटेल ने इसका पहला कोर i9 प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये डेस्कटॉप प्रोसेसर था, यानी कि पीसी या फिर लैपटॉप के लिए था। और उसके बाद एक साल बाद यानी कि अप्रैल 2018 में इसको मोबाइल फ़ोन के लिए भी रिलीज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, हमारे सीपीयू के जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में अब हम डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आता है मदरबोर्ड। और ये मदरबोर्ड क्या है, इमेज से आप देख सकते हो, मदरबोर्ड एक सर्किट होता है, ठीक है, सर्किट बोर्ड होता है कह लो, जिस पर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स इंटीग्रेट किए गए होते हैं। हमारा जो सीपीयू होता है यानी कि प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, वो भी इसी के ऊपर इंटीग्रेट किया होता है। बाकी के बहुत सारे जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इसके ऊपर इसी पे इंटीग्रेट किए गए होते हैं, जैसे कि आपका रैम ले लो, आपके ग्राफिक कार्ड, अदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। देखने में इस तरह से होता है ये, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नल जो हमारे डिवाइसेस है, पेरिफेरल्स कह लो, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, उनको भी जब कनेक्ट किया जाता है तो उनके जो पोर्ट्स होते हैं जिनके थ्रू उनको कनेक्ट किया जाता है, तो वो भी कनेक्टेड होते हैं हमारे मदरबोर्ड के साथ। यहाँ से आप जैसा कि देख सकते हो, ठीक है, तो हमारा जो एक मदरबोर्ड होता है इसको आप कुछ इस तरह से ले सकते हो कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के वो इकट्ठा आ जाते हैं, सारे के सारे इसी के साथ कनेक्टेड होते हैं, और यहीं से सारे की सारी चीजें आपकी चलती है, ठीक है। तो चलिए मदरबोर्ड के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। मदरबोर्ड के अलग अलग कंपोनेंट्स में सबसे पहले यहाँ पे आता है सीपीयू स्लॉट या फिर सीपीयू सॉकेट कह लो, यहाँ इमेज से आप देख सकते हो। सिंपली देखिए, जहाँ पे मदरबोर्ड पे जहाँ पे हम सीपीयू को इंटीग्रेट करते हैं या फिर सीपीयू को जहाँ पे हम सेट करते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनके हाथ में ये सीपीयू है, और ये जो जहाँ पे ये रख रहे हैं इसको सीपीयू सॉकेट कहते हैं, जहाँ पे हम सीपीयू को इंटीग्रेट करते हैं अपने मदरबोर्ड पे, तो उसको हम सीपीयू स्लॉट कहते हैं, ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। उसके अलावा रैम स्लॉट, सेम जहाँ पे हम अपनी रैम को इंसर्ट करते हैं उसको हम रैम स्लॉट कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह की कुछ रैम दिखती है, और उसको जहाँ पे इंसर्ट किया जाता है यानी कि रैम स्लॉट, वो कुछ इस तरह का दिखता है, तो ये है रैम स्लॉट। चलिए अब जानते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एक्सपेंशन स्लॉट्स वो स्लॉट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन कार्ड को इंसर्ट करते हैं। अब ये एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं, थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं। कभी कभी जब हमें कंप्यूटर में कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करने हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एक सर्किट बोर्ड्स होते हैं जिनको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, उनको हम कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है ग्राफिक्स कार्ड, वीडियो कार्ड कह लो आप, तो ग्राफिक कार्ड या फिर वीडियो कार्ड या फिर साउंड कार्ड या फिर आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये सारे के सारे आपके एक्सपेंशन कार्ड्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए मेन काम क्या होता है, सबसे पहले तो आपका ग्राफिक कार्ड है। अब ग्राफिक कार्ड ज़्यादातर लोग जो लोग गेमिंग करते हैं या फिर गेम्स खेलते हैं, काफ़ी हाई लेवल की जो गेम्स होती हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स को लोड करना होता है, वो या फिर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो वो लोग ज़्यादातर हमारे ग्राफिक कार्ड्स को यूज़ करते हैं। कि और इसको यूज़ क्यों किया जाता है, देखिए क्या होता है कि जो ये इस तरह के काम है यानी कि गेमिंग है जहाँ पे हमें काफ़ी हाई लेवल की ग्राफिक्स को काफ़ी फास्ट लोड करना होता है, या फिर VFX डिज़ाइनिंग के काम है जहाँ वहाँ भी सेम हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो सॉफ्टवेयर है उनको चलाना होता है, तो इससे जो हमारा CPU होता है उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, तो उस लोड को थोड़ा कम करने के लिए हम लोग वहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम अदर जो हमारे एक्सपेंशन कार्ड्स हैं उनका भी यूज़ करते हैं।
तो एक्सपेंशन कार्ड्स को जहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं मदरबोर्ड पे, तो उनको बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स। इसके अलावा थोड़े बहुत कुछ एक और कंपोनेंट्स हैं मदरबोर्ड के, जैसे कि आपका कैपेसिटर है, ये इसकी इमेज है, आपने भी कभी ना कभी ये देखे होंगे। अगर कभी आपने अपना अगर आपने कभी कोई मदरबोर्ड देखा है तो उस पर देखा होगा आपने इस तरह के कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं उस पर, ठीक है, अलग अलग इनकी फंक्शनिंग होती है। उस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कैपेसिटर। इसके अलावा होते हैं हमारे इंडक्टर्स, ठीक है। इंडक्टर्स कुछ इस तरह के देखने में होते हैं, चारों तरफ इनमें कोई एक वायर से इसको रैप किया गया होता है, तो ये होते हैं हमारे इंडक्टर्स। फिर इसके अलावा हमारा हीट सिंक होता है, हीट सिंक ये फैन होता है जहाँ पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर इंसर्ट किया गया होता है, तो वहाँ पे हम लोग ऊपर से ये एक हमारा जो हीट सिंक होता है उसको भी इंसर्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो गर्म काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है, जितनी ज़्यादा उस पर लोड पड़ेगा उतना ज़्यादा वो गर्म होगा, तो उसको ठंडा रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं अपना हीट सिंक। उसके अलावा CMOS बैटरी, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। अब देखिए दोस्तों, जो ये CMOS बैटरी होती है ये स्टोर करती है बायो सेटिंग को, ठीक है, बायो सेटिंग को ये स्टोर करती है। अब ये बायो सेटिंग क्या होती है, यहाँ पे जो ये बायोस है उसका नाम होता है, उसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बायोस। अब बायोस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन एक जो सिंपल सा एक मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जो बायोस होता है वो एक बेसिक प्रोग्राम होता है, जो जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो प्रोग्राम यहाँ पे चलता है, सबसे पहले जो प्रोग्राम रन होता है वो होता है बायोस, ठीक है। और बायोस ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि मेन फंक्शनिंग हमारे कंप्यूटर में करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको भी ये हेल्प प्रोवाइड करता है हमारा जो बायोस होता है। तो ये जो बायोस होता है इसकी जो सेटिंग्स वगैरह है उसको स्टोर किया जाता है हमारे CMOS बैटरी के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा मदरबोर्ड होता है वो कुछ इस तरह से अलग अलग हमारे जो पार्ट्स हैं उनमें डिवाइडेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो जो मेजर जो पार्ट होते हैं हमारे मदरबोर्ड के, वो होते हैं नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। अब नॉर्थ ब्रिज के साथ हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं। सबसे मेन तो हमारा जो CPU होता है वो भी नॉर्थ ब्रिज के साथ कनेक्टेड होता है। उसके अलावा क्लॉक जनरेटर हमारा नॉर्थ ब्रिज के साथ कनेक्टेड होता है। उसके अलावा हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड स्लॉट है, जहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लगता है, ठीक है, ग्राफिक कार्ड जहाँ पे लगता है वो भी हमारा नॉर्थ ब्रिज के साथ कनेक्टेड होता है। उसके अलावा मेमोरी स्लॉट्स, जहाँ पे हम रैम्स वगैरह लगाते हैं, रैम्स वगैरह इंसर्ट करते हैं, वो भी हमारा नॉर्थ ब्रिज के साथ कनेक्टेड होता है। और उसके अलावा हमारा साउथ ब्रिज होता है, साउथ ब्रिज के साथ हमारे PCIe जो स्लॉट्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। उसके अलावा जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स मतलब जिनके थ्रू हम अपने आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो वो सारे भी हमारे साउथ ब्रिज के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्लैश रोम, जिसके अंदर बायोस जो प्रोग्राम्स होता है, जिसके प्रोग्राम होता है जिसके बारे में हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, वो भी हमारा साउथ ब्रिज के साथ कनेक्टेड होता है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है इंटरनल बस, ठीक है, ये एक पाथ है जहाँ से हमारा डेटा ट्रैवल करता है। चलिए दोस्तों, अब कंप्यूटर पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो कंप्यूटर पोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअल में, वो हमारे जैक कह लो उनको या फिर उनको कनेक्शंस कह लो, जिनके थ्रू हम जो हमारे पेरिफेरल्स है, यानी कि हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस, तो उनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा एक जो भी हमारे ये पेरिफेरल्स होते हैं, इनकी जो केबल होती है जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, तो उस केबल में एक कनेक्टर होता है जिसके थ्रू हम लोग उन एक्सटर्नल डिवाइसेस को हमारे CPU के साथ कनेक्ट करते हैं। और जहाँ पे वो कनेक्टर को हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है, प्लग करते हैं उसको, तो उसको बोलेंगे हम पोर्ट्स, ठीक है, उसको बोलेंगे हम पोर्ट। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास पोर्ट्स होते हैं, अलग अलग केबल्स के लिए, अलग अलग कनेक्टर्स के लिए। तो जानेंगे कि कौन कौन से वो मेजर कनेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो सबसे बेसिक कनेक्टर हमारे पास आता है, सबसे बेसिक जो पोर्ट आता है वो होता है हमारा पावर कनेक्टर, ठीक है। अब पावर कनेक्टर यहाँ आप देख सकते हो,
जो भी हमारा सीपीयू का जो कैबिनेट होता है, ये जो बाहर का जो बॉडी होता है सीपीयू की, इसको कैबिनेट कहते हैं। जो ये टीन का बना होता है, जो डब्बा होता है, इसको कैबिनेट कहते हैं। तो जो कैबिनेट होता है उसमें जो बैक साइड सबसे जो बड़ा आपको दिखता है कनेक्टर, जिसके थ्रू हम जो पावर सप्लाई होती है उसको भेजते हैं अपने जो मदरबोर्ड है उसको, अपने सीपीयू को, ठीक है। तो एक काफ़ी जो बेसिक हमारा कनेक्टर होता है वो हमारा होता है पावर कनेक्टर। उसके अलावा आता है हमारा PS2। PS2 कनेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था IBM ने, और इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल सिस्टम 2। अब जो पुराने हमारे जो कंप्यूटर्स थे तो उनमें जो हमारा मेनली कह लो माउस या फिर कीबोर्ड कह लो, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग वहाँ पे PS2 कनेक्टर्स का यूज करते थे। फिर आता दोस्त हमारा पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट का मेन जो काम होता है वो डेटा ट्रांसफर के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता था प्रिंटर्स में। आज के समय भी जो हमारे थोड़े पुराने प्रिंटर्स हैं उनमें पैरेलल पोर्ट्स का यूज़ किया जाता है। इस तरह से कुछ दिखता है, बहुत सारे इसमें छोटी छोटी पिंस लगी होती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पैरेलल पोर्ट। इसके अलावा आता है हमारा VGA पोर्ट। वैसे तो ये थोड़ा पुराना स्टाइल का पोर्ट है, लेकिन आज के समय भी ठीक ठाक ये यूज़ किया जाता है। VGA पोर्ट को हम लोग यूज़ करते हैं CPU को मॉनिटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, यानी कि विजुअल जो डेटा है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए VGA पोर्ट्स का यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा डिजिटल वीडियो इंटरफेस, यानी कि DVI। DVI को सेम जिस काम के लिए VGA को यूज़ किया जाता है, सेम उसी काम के लिए हम लोग DVI को यूज़ करते हैं। लेकिन DVI थोड़ा VGA पोर्ट से थोड़ा एडवांस लेवल का पोर्ट है, ठीक है। ये हमारा VGA पोर्ट्स हैं, ये हमारे DVI पोर्ट्स हैं, ठीक है। फिर आता है दोस्तों HDMI पोर्ट, यानी कि हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। ये है सबसे ज़्यादा आज के समय यूज़ किया जाने वाला पोर्ट, जब हमें कोई विजुअल आउटपुट ट्रांसफ़र करना हो, विजुअल इंफॉर्मेशन या फिर विजुअल डेटा को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तब हम HDMI को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसको यूज़ हम जब VGA को प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करना होता है उस समय हम इसको यूज़ करते हैं, कैमरा को हमें जब CPU के साथ कनेक्ट करना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो बहुत बहुत सारी जगह हम HDMI का यूज़ आज के समय करते हैं, ओके। फिर आता है हमारा 3.5 mm ऑडियो जैक। अब ये जो जैक है ऑडियो जैक, इसको हम सिंपली हमारे जो हेडफोन्स है या फिर स्पीकर्स है उनको CPU के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं ये वाला पोर्ट। और यहाँ पे जो 3.5 mm है ये इसके डायमीटर को डिनोट करता है, कि इसके डायमीटर की क्या लेंथ है उसको ये डिनोट करता है, यानी कि 3.5 mm का डायमीटर होता है इन जैक्स का। इसके अलावा RJ45 या फिर ईथरनेट पोर्ट, जो हमारे CPU है जब उनको हम लैन से कनेक्ट करते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं उनको केबल मीडियम के थ्रू, यानी कि केबल के थ्रू, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं RJ45 या फिर कह लो ईथरनेट पोर्ट्स का, ठीक है। इस तरह से ये कुछ दिखते हैं, मॉडर्म्स में ये होते हैं। उसके अलावा हमारा जो CPU है वहाँ भी CPU के जो बैक साइड होते हैं कैबिनेट होता है वहाँ पे भी ये पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे HDMI पोर्ट्स हैं, इस तरह से दिखते हैं, ये अपने ऑडियो जैक हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं USB की, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। जो हमारे USB है आज के समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये बहुत ज़्यादा ये एडवांस है बाकी जो हमारे पुराने पोर्ट्स थे उनके मुकाबले। और इसको ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है, यानी कि इसको बहुत सारे फंक्शन बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है सेम पोर्ट को, जैसे कि डेटा को ट्रांसफ़र करना, दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना, इवन कुछ एक डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए भी USB पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि किस तरह से किसने इसको इन्वेंट किया था, तो देखिए दोस्तों क्या हुआ था, 1995 में 7 कंपनियाँ कॉम्पैक, DEC, IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, NEC और नॉटेल, इन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना ये एक ऐसा पोर्ट इन्वेंट करे, कोई एक ऐसा नया पोर्ट बनाए जो कि एक थोड़ा यूनिवर्सल पोर्ट हो, यानी कि सब के सब उस सेम पोर्ट को यूज़ कर पाए, उसके फीचर काफ़ी अच्छे हो, यानी कि उससे उसके जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हो, उसे हम हर तरह के डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाए। क्योंकि देखिए दोस्तों उस समय बहुत सारे पोर्ट्स थे हमारे पास, जैसे पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट्स, लेकिन सबकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, तो अलग अलग काम के लिए हमें अलग अलग पोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन उस समय थी, तो उसको थोड़ा सिंपल करने के लिए इन सब कंपनी ने डिसाइड किया क्यों ना कोई एक कॉमन पोर्ट हम लोग डेवलप करें, या फिर कह लो एक यूनिवर्सल पोर्ट हम लोग डेवलप करें जिसको कि हम बहुत आसानी से यूज़ कर पाएँ,
जिसकी फीचर्स भी बाकी जो पोर्ट्स हैं उनसे काफ़ी अच्छे हो, सिंपल सा प्लग एंड प्ले वाला फीचर उनमें हो। तो इस काम के लिए सब जो सातों के सातों कंपनियां हैं इन्होंने अपने अपने जो टीम्स हैं उनको इकट्ठा किया और सेम प्रोजेक्ट पे सब लग गए। और वहाँ पे जो इंटेल है, इंटेल जो कंपनी है, तो उनकी तरफ से अजय भट्ट जो कि एक इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट है, तो इन्होंने लीड किया था इस प्रोजेक्ट को इंटेल की तरफ से। तो इसमें इनका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रोल रहा और इसीलिए इनको फादर ऑफ यूएस भी कहा जाता है आज के समय, फादर ऑफ यूएसबी पोर्ट। उसके बाद जनवरी 1996 में हमें मिला पहला, हमारा पहला यूएसबी पोर्ट। और उसके बाद से जो भी हमारे यूएसबी के पोर्ट्स हैं या फिर कनेक्टर्स हैं तो उनको, उनका जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करती है यूएसबी इंप्लीमेंटर्स फोरम यानी कि यूएसबीआईएफ। ठीक है, अब यूएसबी पोर्ट्स के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यूएसबी पोर्ट के जो मेनली जो टाइप है, तो सबसे पहला आता है हमारा यूएसबी टाइप ए। ठीक है, यूएसबी टाइप ए जैसा कि आप यहाँ इमेज से देख सकते हो, जो हमारे नॉर्मल जो यूएसबी है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे यूएसबी टाइप ए में ही आते हैं। हमारे यूएसबी 1.1, यूएसबी 2.0 और यूएसबी 3.0, इसके अलावा यूएसबी 3.1, ये सारे जो वर्जन हैं ये हमारे यूएसबी टाइप ए की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा है हमारा यूएसबी टाइप सी जो कि यूएसबी का एक लेटेस्ट वर्जन है। इस तरह से ये दिखता है मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में आज के समय बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर आज के समय है। ठीक है, तो इसको भी हमारे जो यूएसबी आईएफ है यानी कि यूएसबी इंप्लीमेंटर्स फोरम, इसने डेवलप किया है इसको। फिर इसके अलावा जो छोटे डिवाइसेज है यानी कि स्मार्टफोन्स वगैरह, उनके लिए जो हमारा यूएसबी है, यूएसबी पोर्ट्स हैं, वहाँ भी इसके तीन अलग अलग टाइप्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा मिनी यूएसबी। ठीक है, मिनी यूएसबी इस तरह से दिखता है, ये मिनी यूएसबी। इसके अलावा होता है हमारा माइक्रो यूएसबी, चार्जिंग में ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डेटा ट्रांसफर में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, 2007 में इसको सबसे पहले अनाउंस किया गया था, तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, यूएसबी माइक्रो यूएसबी को। उसके अलावा यूएसबी टाइप सी जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, ये है यूएसबी टाइप सी। अभी तक हमने हमारे जो क्लासिकल जो सीपीयू है यानी कि जो आज के समय हम लोग सीपीयू यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में बात की, उनके कंपोनेंट्स के बारे में जाना। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम थोड़ा बहुत फ्यूचर सीपीयूज़ की, कि फ्यूचर के लिए आज के समय कौन कौन सी वो नई नई टेक्नोलॉजी है जिन पे काम हो रहा है अपनी जो सीपीयू है उसको डिज़ाइन करने के लिए। तो वहाँ पे जो सबसे पहले, देखिए आपने भी इसके बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, कहा जाता है कि जो हमारे फ्यूचर के कंप्यूटर्स होंगे वो क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड होंगे। अब ये क्वांटम कंप्यूटिंग कुछ नहीं है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, उसको और कंप्यूटर साइंस को कंबाइन किया है। क्वांटम जो फिजिक्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हमने किसी तरह अपने जो कंप्यूटर साइंस है उसके साथ कंबाइन करके हम लोग एक नए तरह का कंप्यूटर यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर नए तरह का सीपीयू डेवलप करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा वो। कुछ समय पहले गूगल ने ये अनाउंस किया था कि उन्होंने दुनिया का पहला जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर है वो डिज़ाइन किया है, लेकिन अभी तक प्रॉपरली एक हमारे सामने कोई प्रॉपर क्वांटम कंप्यूटर तैयार नहीं हुआ है। इस पर काफ़ी सारे काम होना बाकी है। तो इस तरह से दिखता है कुछ क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, उसके अलावा मॉलिक्यूलर कंप्यूटिंग, इसमें हम लोग कंप्यूटर को कंबाइन कर रहे हैं अपना जो डीएनए बायोकेमिस्ट्री है इसके साथ। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस और बायोकेमिस्ट्री, इन दोनों को कंबाइन करके हम एक नए तरह का अपना सीपीयू डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम मॉलिक्यूलर कंप्यूटर या फिर डीएनए कंप्यूटर कहते हैं। तो ये क्योंकि अभी डेवलपमेंटल फेज पर है, इन पे काम होना भी बाकी है, पता नहीं कब तक इन पे काम होगा, लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजी यही सब है। चलिए, ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी, बहुत कुछ आपको नया जानने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।